करके हमारी गाड़ी ऊपर ही नहीं आ रही। ओले कितना स्टार्ट हो गया है अभी यहाँ पे। दो तीन बार गिर चुके हैं, सब कुछ गीला हो चुका है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लिथम। तो आज कुछ 5:30 बजे अभी और ब्रेकफास्ट टाइम है, 5:30 ही बजे ना रे अभी, ब्रेकफास्ट टाइम है। और आज हमें जाना है चंद्रनान लेक 1, क्योंकि वहाँ पे, लेकिन इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन दी वेदर। अगर रेन होता है तो हम लोग रिटर्न आ जाएंगे, कैंसिल करना पड़ेगा। लेट सी, अभी तो मौसम काफ़ी अच्छा है तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और नाश्ते में ढोकला, सेवैया, ये मीठा है क्या? मीठा है, काफ़ी बढ़िया बना है। और चा। गुड मॉर्निंग आप सब लोग। यस, सबका बढ़िया ब्रेकफास्ट बढ़िया हो ना? हाँ जी। आज का जो ट्रेल है वो अभी स्लिपरी रहेगा, क्योंकि पिछले कल बारिश हुआ है, मिट्टी वाला एरिया है, बोल्डर सेक्शन भी आएगा। बाकी आज का मौसम पे रहेगा निर्भर, यदि अगर मौसम खराब होगा, जहाँ तक हम पहुँचे होगे ना मौसम से दही वापस हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है, स्लिपरी हो जाएगा, वो पत्थर गिर जाएंगे, किसी को चोट आ जाएगी, किसी का पाँव मोड़े, किसी की टांग में दर्द हो जाएगी, ये आपने ध्यान में रखना। And again I'm telling you, it's a very beautiful valley. We are not going to chase the Chandranan lakes. It is an acclimatization day. It's a walk to acclimatize ourselves to the high altitude. That's the reason we are pushing as far as we can. So do not have any expectations on the lake to be like Kedarthal or Chandratal. It's Chandranan lake. It's a very precious and sacred lake. So there are some things which I want you all to follow near the lake. So please respect the traditions and the customs of the people over here. ओके, ये मेरे को भी दे दे। नाउ चंद्रनान लेक अबाउट टू स्टार्ट। और यहाँ पे उससे पहले हमारे बंदे डायमॉक्स लेते हुए, कल डायमॉक्स लेके क्या हुआ था? अच्छा लगा, लेकिन बहुत सुसु आई, बहुत पी आया। पी आया दे? तिलक सर ने बोला तो लेना पड़ेगा, तो इसके लिए लिया। बड़ा भी अच्छा लग रहा है, राइट? यस, फीलिंग गुड। और लगभग 6 आवर्स का ट्रेक होने वाला है, और तो स्नैक्स भी कैरी करने बोला है, क्योंकि टिल रिटर्न आने तक कुछ खाने नहीं मिलने वाला है। दैट्स इट। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि रात को बारिश भी हुआ था तो थोड़ा स्लिपरी है एंड लूज सॉइल है, पत्थर भी गिर सकते हैं, तो केयरफुली आना पड़ा। एंड हेडिंग टुवर्ड्स दिस, जहाँ से हम लोग कल आए थे ब्रिज के ऊपर से। तो हमारी कैंप साइट, अब हम यहाँ पे आए, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं और यहाँ पे सब रेस्ट कर रहे हैं, स्नैक्स ब्रेक हुआ है और हमें जाना है वहाँ पे ऊपर, और 1 घंटा 1.5 घंटा बाकी है ऑलमोस्ट। दिस इज माय लास्ट स्टैंड। Yes.
दूर उन पहाड़ियों में कुछ तो बसता है, वही मेरे सुकून का रास्ता है। जहां ना कोई तकरार है ना इनकार है, जहां सिर्फ। सो अभी हम लोग आ गए चंद्रताल लेक। सागर, इसका हाइट कितने? 13,000 फीट। 13,000 फीट के ऊपर अभी हम लोग। सांस लेने में तकलीफ होती है बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। जो यहाँ पे व्यू है अमेजिंग है, वर्थ है, वर्थ है। इतना मेहनत करके आना ऊपर, वर्थ है। और स्टैचू के स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। इसको कुछ तो बोलते हैं, मैं भूल गया। स्टैचू है, ओल्ड बिलीव्स है और पीपल के। एंड आप देखोगे ये तालाब जो भी है उसमें पीपल ने फूल चढ़ाए हैं, कुछ पैसे डाले हैं। और लाइक ये स्टैचू भी लाइक काइंड ऑफ पीपल बिलीव, लाइक एक रिचुअल है उनका, पार्ट ऑफ रिचुअल है। और काफ़ी पवित्र लेके है। और ऐसे ही आगे कितने और? 5-6 लेक्स है। दिस इज द फर्स्ट वन आई थिंक, बट काफ़ी दूर है। तो यही है पानी जो नीचे जाता है, बब्बर रिवर को मिलता है। ऊपर तक सब उसका है, वो यहाँ से ऊपर हुआ है। वो देवता जी, देवता कौन? भगवान है क्या? भगवान। ओके। हाँ, फिर यहाँ से गया रोडू। रोडू कौन है? रोडू गांव। रोडू गांव, अच्छा। वहाँ पे उन्होंने अपनी स्थान ग्रहण कर दिया, अपनी पब्लिक बना ली। अच्छा, समाधि ली होगी वहाँ पे, राइट। फिर वहाँ पे कम से कम 1500-1600 बस्ती है रोडू में। हाँ हाँ। देवता जी का नाम है शिखरू महाराज। फिर वो 20 साल के बाद यहाँ पे पूजन के लिए आते हैं। इस बार भी साल बाद। इस बार भी जैसे टाइमिंग हुआ तो उनको टाइम देवत जी का ऑर्डर होगा, उस टाइम वो चल पड़ेगी तीर्थयात्रा। कितने साल पुरानी बात है क्या? नहीं, स्टोरी बता रहा हूँ। अच्छा, उनके वंशज आते हैं या फिर? नहीं, जो देवत जी का ऑर्डर होगा। हाँ, ऑर्डर 5 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी, वो कोई फिक्स नहीं है। अच्छा। हाँ, समझा मैं। जो कसल में होता है वैसे, जैसे लोग बदलना समझा चाहते समझा हैं। बराबर सही बात है, समझा। जो एरिया ये लेक से सब शिक्रू महाराज जी की है, क्योंकि उनके स्थान यहीं से वो उत्पन्न हुए पे हुए थे। अच्छा, समझा। ओह, फाइनली अभी हम लोग कैंप साइट आ गए फिर से। कुछ अभी 12 बज रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और थर्मल वेयर करके फिर जाएंगे लंच के लिए। वाइट पुलाव एक नंबर। ये कड़ी है, बस पापड़ और एक जगह सेलेक्ट। हाँ, इसमें जगह Happy birthday to you, Rasan. Happy birthday to you, Rasan. Happy birthday to you, Rasan. Happy birthday to you. पुरान गाडी खूप चांगली ट्रॅक होती, मला माहित होतं की व्ह्यू सिचे खूप छान आहे, पण इथे आल्यानंतर तर हे डोळे पण कमी पडतात। असं वाटतं की मी कदाचित रावण असतो, तर माझ्याकडे खूप सारे डोके असते आणि त्याच्यामध्ये खूप सारे डोळे असते सामावून। सगळं पाठचं जे व्ह्यू आहे ते सामावलं असतं, कदाचित ते पण कमी पडले असते।